टूटा कैसे देखते हैं? हाँ जी, बीजेपी ये जो आप बड़ा 4.5 साल जो समय हमें मिला, हमने प्रदेश हित के लिए कार्य किए और 2 साल के लगभग मुझे भी जो हमारी गठबंधन सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला और हमने आपने देखा होगा बड़े प्रदेश हित के हमने फैसले लिए और मुझे खुशी है कि उस समय में हम एक बड़ा बदलाव, एक व्यवस्था परिवर्तन कर पाए और विधायक के नाते जो जिम्मेवारी टोहाना हल्के के लिए मेरे लोगों ने दी थी, हमने वहां भी काम किया है और हमने काम करके दिखाया भी है और आने वाला जो 2024 का चुनाव है हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी। लोग जानना चाहते हैं आप किसकी तरफ हैं, ये जेजेपी की तरफ झुकाव है कि बीजेपी की तरफ? देखिए, मेरा झुकाव हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट और मेरे टोहाना हल्के के लोगों को ये वहीं पर है। आंसर राजनीति में भी डिप्लोमेटिक ही देने चाहिए। नहीं, उसका हमारे पास मैसेज नहीं था और बहुत लेट नाइट उस टाइम हम सोच चुके थे। सुबह आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के कुछ उद्घाटन किए थे और उसमें बतौर मंत्री मेरी भी जिम्मेवारी लगी हुई थी, मुझे तो वहीं जाकर ही पता लगा कि आज ये चेंजेस हो गए। जेजेपी के साथ हैं सर अभी भी? हम कहें कि आज हम जेजेपी के विधायक हैं और मैं टोहाना की जनता के भी साथ हूँ। हरियाणा प्रदेश में वो अगर कोई नेता आएगा तो वहाँ भी हम, अभी तक कोई नेता नहीं है सर, अभी हमारे पास इन्विटेशन नहीं है। सर आपके साथ कितने 5 MLA और पहुंचे सर, इसको कैसे देखें? क्योंकि भाई विधायक सभी बुलाए हैं, आज सबस समारोह है, हरियाणा में एक सरकार बदली है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, हमारे कुछ मंत्री साथियों ने शपथ ली है तो यहाँ पर विधायक के नाते सभी को इन्विटेशन है, सभी विधायक। जेजेपी टूट रही है सर? भाई ये मैं कैसे कह सकता हूँ, जेजेपी की क्या तैयारी है जो सिरसा और भिवानी? ये सवाल जो आप मेरे से कर रहे हैं ये अगर ज्यादा बेटर है कि दोस्त जी से करें, वो ज्यादा बेटर जवाब आप लोगों को रैली में हम बताएंगे क्या करने वाले हैं। तो फिर कल सुन लेना, जो बताएंगे बेटर ही बताएंगे। ये जो बात आ रही थी कि भिवानी, ये जो बात आ रही है कि भिवानी और हिसार की सीट मांगी गई थी और फिर नहीं मिली है, उसकी जगह सिरसा बोला गया, कितनी जायज आपको लगता था कि वो मांगेगा? वो पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के थे चाहे जननायक जनता पार्टी के थे, वो चर्चा वहां तक सीमित थी, उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो वो सवाल वही उसका जवाब बेटर दे पाएंगे। जेजेपी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा आपको? मैम जेजेपी का भी दुष्यंत जी से पूछेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, यार हरियाणा प्रदेश की जनता आपको 2-4 आप आगे आगे जुड़े, आप जुड़ेंगे बीजेपी कह रहे हैं सर, पार्टी के आपसे पूछा जाएगा सर आप कहाँ खड़े हैं? देखिएगा, आज तो मैं यहाँ खड़े हूँ सब समारोह में, जो नए मुख्यमंत्री बने उनको बधाई देने आए हैं, हमारे जो मंत्री साथी हैं उनको बधाई देंगे। अजय चौटाला जी का बर्थडे है सर, जा रहे हैं क्या वहाँ? बिल्कुल बधाई देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बधाई देंगे। इस आर्मी चले जाएंगे अगर आप भेजोगे तो।